यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो मनाली के बाद हम आए हैं कुल्लू घूमने के लिए और उधर है हमारी सारी गैंग। दादू जी के लिए। और जो ये ग्राउंड है, ये धालपुर ग्राउंड है कुल्लू में। एक्चुअली में सारे ढालपुर ग्राउंड है, सारे ढालपुर है। एक्चुअली में स्पोर्ट्स की गतिविधि को स्पोर्ट्स ग्राउंड कहते हैं। अच्छा, और जहाँ पर ये स्टंप खड़ा है, ये रघुनाथ ग्राउंड है। ये हमेशा ही ऐसा भरा रहता है, क्योंकि आजकल ये पीपल मेला लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। पीपल मेला करके जो 3 दिन का मेला होता है, 28, 29, 30। अच्छा, उसके बाद ये 15 दिन तक हमारी मार्केट ऐसे सही रहती है। ऐसे मार्केट सही रहेगी, लोग आते हैं यहाँ पे। 15 दिन के बाद सारा खाली हो जाएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा ये। अच्छा, और जो कुल्लू का जो मेन मार्केट है वो किधर है? मेन मार्केट ढालपुर में ही है, ढालपुर चौक है ना, नीचे को है। चौक से नीचे उतरेंगे, लोअर ढालपुर कहते हैं। अच्छा, अभी रघुनाथ जी यहाँ पर आए थे, यज्ञ के दौरान वो चले गए शहर में। यहाँ के राजा जी, राजा जी आते, खुद राजा महेश्वर सिंह जी यहाँ के हैं। अच्छा, तो अपने उनका जो रथ आता हुआ था कुल्लू दशहरे में। अच्छा, कुल्लू दशहरे में रथ आता है, रथ मैदान से चलता है इसी ग्राउंड से, इस ट्रैक से नीचे नीचे हमारी स्पेशल दशहरा और नीचे बढ़ जाता है। अच्छा, 7 दिन तक ये पूरा मेला से भरा रहता है। अच्छा, तकरीबन यहाँ पर 350 देवी देवता आते हैं। 350 देवी देवता आते हैं। ये जो बैक साइड है ये देवताओं की है, इसके बैक साइड में सभी देवता बैठते हैं यहाँ पर। ये जो सामने आप ग्राउंड देख रहे हैं बैक साइड में, तकरीबन यहाँ पर 100 देवते बैठते हैं यहाँ पर। ये हमारी लाइब्रेरी है, यहाँ पर देवते बैठते हैं। ये ग्राउंड है, तकरीबन 100 देवते हमारे यहाँ पर बैठते हैं। 350 देवी देवता दशहरे के दौरान आता है। दशहरे के दौरान दशहरा जो अक्टूबर महीने में। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा होता है जी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो गाइस, अब हम कुल्लू से जा रहे हैं मणिकरण। सब शॉपिंग करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो आपको नजर आ रहा है पोर्शन, ये पूरा का पूरा खाली था। देखो पीछे कर दो, आप ही को लगाया, आप ही को लंबा पड़ रहा है, पकड़ थैला आप ही का। सामानों के ऊपर पहुँच जाएंगे भगवान। मुझे लग रही है हमारे ऊपर गिरने वाले ने जो इन सबको सीट नीचे पैक करेंगे। यहाँ लगा दिया ना, आप देख सकते हैं कुल्लू में कुछ ज्यादा ही शॉपिंग करनी है। हेलो, तो हम पहुंच चुके हैं मणिकरण और हमारे सारे साथी हैं आगे। एक्चुअली हम भटक गए थे, पता नहीं अपोजिट डायरेक्शन पे चले गए थे कि और यहाँ देख सकते हैं गाइस आप, पूरे ब्रिज पर ताले लगाए गए हैं। तो इसके पीछे कोई धार्मिक बात है या देखा देखी में लगाया है, इस बारे में नहीं पता। और गाइस आप यहां सामने देख सकते हैं, ये है भगवान श्री राम जी का रथ।
तो यहाँ के लोगों से जानने को मिला है कि ये काफ़ी प्राचीन है, जिसको समय समय पर दोबारा मेंटेन किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। और गाइस आप यहाँ सामने देख सकते हैं, ये है भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राचीन मंदिर जो यहाँ मणिकरण में स्थित है। और गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मणिकरण का गर्म पानी कुंड, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना गर्म पानी है। और यहाँ पर नहाने के लिए है गर्म पानी में, तो यहाँ देख सकते हैं सब गर्म पानी में डुबकी लगाकर बाहर आ गए हैं। तो इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, कैसा लगा? पानी बहुत गर्म है, नहाने में बहुत मजा आया, स्विमिंग करने में मुझे तो बहुत ही मजा आया। हाँ, बुआ जी ने स्विमिंग भी किया। अच्छा, इस पानी की क्या मान्यता है, इसमें डुबकी लगाने से, नहाने से? इस पानी में ये मान्यता है कि गर्म पानी जो है अच्छा, ठीक है। तो गर्म पानी में डुबकी लगाकर हम निकल रहे हैं बाहर। और ये हम पहुंच चुके हैं रघुनाथ जी के प्राचीन मंदिर के बाहर। और ये जो मंदिर है, इसकी मान्यता ये है कि जब पांडवों को अज्ञातवास के लिए हिमालय में रहना पड़ा था, तो ये उस समय में बनाया गया प्राचीन मंदिर है रघुनाथ जी का। Thank you.
तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो हम जा रहे हैं यहाँ से अब नए मंजिल की तरफ, तो आपको हम मिलते हैं नए मंजिल के पास पहुँच कर। तब तक के लिए बाय बाय। हे चुकचे।